जूही पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ है कृष्ण सुदामा। इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती में गरीबी और अमीरी का फर्क मिट जाता है। तो आइए देखते हैं, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मतलब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। इतनी गहरी दोस्ती थी उन दोनों के बीच में। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। सुदामा जो उनका दूसरा दोस्त था वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है। सुदामा अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं और फिर बोलते हैं, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं, उसे क्या गिफ्ट दूं, क्या भेंट दूंगा मैं उसे। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। भुने हुए चावल लाकर किस लिए दे रही है, वो कृष्ण को दे रही है ताकि वो उसको गिफ्ट या उसके लिए उपहार या भेंट या तोहफा, भुने हुए चावल बांधकर दे रही है। सुदामा घर से चल तो पड़े लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था, आगे बढ़ू या ना बढ़ू। डावाडोल का अर्थ होता है असमंजस में पड़ जाना कि मैं अपने दोस्त के लिए क्या उपहार लेकर जा रहा हूँ, क्या भेंट लेकर जा रहा हूँ, मन में हलचल मची हुई रहना। वे सोच रहे थे कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, अगर उन्होंने ना पहचाना तो चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल में पहुंचकर वे द्वार पर जाकर खड़े हुए तो द्वारपाल ने उसे पूछा, आपको किससे मिलना है। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। ऐसा वो जब द्वारका पहुंच जाते हैं राजा कृष्ण के पास, तो वहां पर जाकर वो अपना बारे में जानकारी देते हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ सुदामा। ऐसा बताने के बाद जैसे ही अंदर जाकर द्वारपाल ने सुदामा के बारे में उनका नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम द्वारपाल के मुख से सुना, वैसे ही दौड़ दौड़ कर कृष्ण बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया और उसको सुदामा को अपने गले से लगा लिया। फिर उन्होंने उन्हें अंदर ले गए और उनको आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ उनको अपने अंदर दरबार में लेकर चले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, उनको अंदर लेकर गए। उनके एक परात में, मतलब एक प्लेट में पानी रखा और उससे उनके पैर धोए। फिर उस सिंहासन पर जहां पे राजा बैठा होता है, उस सिंहासन पर उन्होंने अपने दोस्त सुदामा को बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातों को याद करते हुए हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा, मेरे लिए कुछ तोहफा नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, वह सोच रहे थे कि ये जो कृष्ण राजा है वो इतने बड़े राजा है, मैं उनके सामने ये कैसे चावलों की पोटली उनको उपहार में दे सकता हूँ। तो वो संकोच कर रहे थे, मतलब हिचकिचा रहे थे, देने के लिए उनको शर्म आ रही थी। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने वहां से विदा ली, यानी वो और जाने लगे। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं,
अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। वो सोच में पड़ गए कि मेरे दोस्त ने मुझे कुछ उपहार नहीं दिया, मैं तो ये सोचकर आया था राजा कृष्ण के पास कि मेरी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, लेकिन कृष्ण ने मेरी उस गरीबी को दूर ही नहीं किया। वो ऐसा सोचते हुए घर की ओर जाने लगे। सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो देखकर चकित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया, अचंभे में पड़ गए कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां वो छोटे से झोपड़ी में रह रहे थे, वहां अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, दिल ही दिल में सोचने लगे, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, मतलब ये जो मेरे घर में जो जादू हो गया है, अलग सा कुछ हो गया है, मेरा घर एकदम झोपड़ी से एकदम राजमहल बन गया है, ये जरूर ये जो चमत्कार है ये किसने किया है, मेरे दोस्त कृष्ण ने किया है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, वो किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानता है। आगे हम इसी पार्ट का वीडियो देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए, फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उन्हीं की पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चल पड़े, उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। सुदामा जब वापस पहुंचे तो देखकर चकित रह गए, जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। सीख: सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रेम, स्नेह, प्यार। पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उपहार, भेंट, तोहफा। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। संकोच, झिझक। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। द्वारपाल, पहरेदार।
जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया। दामादूल कभी इधर कभी उधर अस्थिर, सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। चकित हैरान, सुदामा जब वापस पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। सिंहासन राजा की गद्दी। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। विदा लेना चले जाना। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। जान छिड़कना बहुत प्यार करना। एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चमत्कार अद्भुत बात, मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। प्रेम स्नेह प्यार पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उपहार भेंट तोहफा, अचानक कृष्ण बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। संकोच झिझक, सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। द्वारपाल पहरेदार, जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया। इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती है, सिर्फ प्रेम होता है, स्नेह होता है और एक दूसरे के लिए आदर होता है, जिस तरह इस पाठ में कृष्ण और सुदामा ने दिखाया। धन्यवाद।